भारत के विभिन्न प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों की यात्राओं का लाभ लेने के लिए भारत की यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन अपने सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व के लिए प्राचीन काल से ही स्मरणीय हैं। पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर बसी उज्जैन नगरी मंगल ग्रह की जननी कहलाती है। यहाँ अमंगल को मंगल में बदलने वाले भगवान मंगलनाथ भी विराजित हैं। भगवान मंगलनाथ के इस मंदिर में देश विदेशों से लाखों लोग अपनी कुंडली के मंगल दोष निवारण हेतु यहाँ आते हैं और अपने ग्रहों के दोषों से मुक्ति पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भारत की यात्रा में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी आज की यात्रा में हम दर्शन लाभ लेंगे भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित भगवान मंगलनाथ मंदिर का। तो चलिए मिलकर यात्रा प्रारंभ करते हैं। मंगलनाथ भगवान का यह धाम अपने दिव्य चमत्कारों एवं मंगल दोष निवारण के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ तक पहुँचने हेतु सभी सुगम मार्ग हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताए हैं। तो दोस्तों, इस तरह हम पहुँच चुके हैं अमंगल निवारक मंगलनाथ मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर। मंगलनाथ मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ भक्तों को प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। धाम के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही पूजन सामग्री एवं प्रसाद की दुकानें बनी हुई हैं। आइए इस धाम की महिमा के बारे में यहाँ इन सज्जन से चर्चा करते हैं। ये जो मंदिर है मंगल का है और ये पूरे भारत और पूरे विश्व में से एकमात्र मंदिर है। नव ग्रह का तो नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, मंगल ग्रह का जन्मभूमि जन्म स्थल है। जैसे शनि पर महाराज आप लोग गए वहाँ पे शनिदेव का जन्मभूमि है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे उज्जैन नगरी अवंतिका खंड में मंगल का और मंगल ग्रह जो है यहाँ पे बालक के रूप में अवतार है इनका और शिव रूप में पूजा होती महामंगल की, क्योंकि स्तंद प्राण के अनुसार युद्ध में शिव जी का जो मस्तक का पसीना उस जगह भूमि पर गिरा, भूमि के दो भाग हुए थे उनके गर्भ में से महामंगल ग्रह का उत्पत्ति हुआ यानी कि जन्म हुआ, इसलिए यहाँ पे इनको शिव पुत्र भी कहते हैं और भूमि पुत्र भी कहते हैं। बाकी अभी तक आप लोग इतने भी शिव मंदिर में गए तो शिव का भान आपने हमेशा नंदी दिखा है, लेकिन यहाँ पे नंदी नहीं है, यहाँ पे नंदी की जगह भेड़ है। भेड़ यानी कि मेंढा जो राजस्थान में पाया जाता है जिससे ऊन निकलता है और ये भेड़ होने का कारण ये रहता है कि महामंगल मेष और विच्छक राशि के स्वामी है, नए गिरोह के सेनापति और 21 भाग के अधिपति माने गए। शनि को जैसे आप लोग काली वस्तु चढ़ाते हैं जिससे लोहा तेल काली उड़द काला तेल काले कपड़े का शुभकार, आज मंगल ग्रह के जन्मों पर अपन दर्शन के लिए आए तो मंगल को चढ़ती है यहाँ पे ये पंचदान और यहाँ पे होता है लाल चिज्जु का और लाल वस्तु में चढ़ेगा गेहूं बंधा मसूर लाल कपड़ा नरियल पुष्प प्रसाद तलावा ये पूरा श्रृंगार, ये आपका नाम और आपका जो भी गोत्र है वो बोल के चढ़ाते हैं। नाम बोल के चढ़ाएंगे स्वयं अपना लगेगा, नाम और गोत्र बोल के चढ़ाएंगे तो अपने अपने परिवार का, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में गोत्र का बहुत बड़ा ओझा रखता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, यहाँ पे नाम और गोत्र का दान होता है और गोत्र का प्रसाद चढ़ाने से अपने घर की जो 21 परेशानियां होती है 21 अन्य परेशानियों का निवारण होता है। नगरी में आए हैं तो केवल आपका दर्शन की दिशा तीन जगह चढ़ेगा और तीन जगह कोई भी खाली हाथ नहीं आते हैं, महाकाल बाल भैरव और मंगलनाथ, और ये तीन जगह ही दान चढ़ाने से आपके महाकाल के दर्शन और उज्जैन की यात्रा सफल पूरी मानी जाती है। महाकालेश्वर गए वहाँ पे दूध जल बेल पत्र का दान किया जाता है, उनके सेनापति काल भैरव जहाँ पे दारू चढ़ाते हैं, अभी काल भैरव भगवान महाकाल के द्वारपाल है इसलिए वहाँ पे दारू चढ़ाना बहुत महत्व रखता है और नए गिरोह के सेनापति मंगल को ये पंचदान करते हैं जब जाके आपका उज्जैन का दर्शन पूर्ण यात्रा सफल हो पूरा माना जाता है। इसलिए यहाँ पे आप साल में एक बार आओ या साल में हजार बार आओ, यहाँ दान तीन जगह ही करना ताकि हाथ जोड़ना दर्शन करना। आइए अब हम दर्शन हेतु धाम की ओर बढ़ते हैं। मंगलनाथ धाम का मुख्य प्रवेश द्वार अति विशाल है जिससे होकर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु गुजरते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यह परिसर एक विशाल परिक्षेत्र में फैला हुआ है। संपूर्ण परिसर लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। मंगलनाथ भगवान का
मुख्य मंदिर परिसर की द्वितीय मंजिल पर स्थित हैं। आइए अब हम मुख्य मंदिर की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हम मुख्य परिसर में पहुंच चुके हैं। यहाँ भक्तों की भीड़ को भली भांति दर्शन कराने हेतु रेलिंग लगी हुई है। आइए सर्वप्रथम हम भगवान मंगलनाथ का दर्शन लाभ लेते हैं। यहाँ नवग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले मंगलनाथ भगवान लिंग रूप में विराजमान हैं। मंगल दोष के निवारण हेतु यहाँ प्रतिदिन कई भक्तजन पूजा पाठ करवाते हैं। भक्तों में ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने एवं मंगलनाथ भगवान की भात पूजा करवाने से शुभ कार्य, विवाह आदि में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। आइए इस धाम के महत्व के बारे में यहाँ के महंत श्री महेंद्र जी से चर्चा करते हैं। जन्म स्थान काशी शिवपुरी है, उज्जैन में अवंतिका शिवपुरी है। ये अवंतिका उज्जैन अवंतिका के नाम से प्रसिद्ध है। ग्रहों के राजा महामंगल भगवान अवंतिका नगरी के स्थान पर भगवान मंगल भाई का विराजमान है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। जन्म कुंडली मंगल की लग्न होती है। मंगल दोष होता है उसका निवारण ऑल इंडिया में यही स्थान है। कर्क रेखा के मध्य सेंटर भगवान मंगल का जन्म स्थान है। मंगली को मंगल के इतना वादा परेशानी आती है। यहाँ पे भगवान का दही दूध घी शहद शक्कर और राइस का पूजन होता है। इससे मंगल गुरु की शांति होती है। उनके जो रुके हुए कार्य होते काल मृतक दोष, नौ ग्रह के सेनापति भगवान मंगल काल पर काल मृतक दोष को ऐसा नहीं है कोई सांप वगैरह मार डाले या कुछ भी। काल मृतक दोष दर आओ कितनी भी दशा है वो नौ ग्रह के सेनापति भगवान जब विराजमान शिप्रा के तट पर काल भैरव के जो आपका तो मंगल प्लस काल दोष का पूजन इस स्थान में। जैसा कि महंत जी ने बताया, सचमुच इस दिव्य स्थान का अपना एक विशेष आध्यात्मिक महत्व है। आइए अब हम इस धाम के अन्य भागों को निहारते हैं। मुख्य परिसर के समीप ही माँ भुवनेश्वरी के नाम से पृथ्वी माता व पिछले भाग में भगवान शिव का मंदिर भी बना हुआ है। आइए अब हम इस धाम की प्रथम मंजिल की ओर चलते हैं। धाम के प्रथम मंजिल पर भात पूजा के पश्चात हवन व पूजन विधान किए जाते हैं। यहाँ भ्रमण के पश्चात अब हम पुनः मुख्य धाम के बाहर नीचे की ओर बढ़ेंगे। मंगलनाथ का यह धाम अति प्राचीन है, जिसका वर्णन कई पुराणों में मिलता है। समय समय पर इस धाम का पुनर्निर्माण होता रहा है। मंगलनाथ धाम का वर्तमान परिसर अति सुंदर, स्वच्छ व दर्शनीय है। तो दोस्तों, इस तरह हमने संपूर्ण मंगल धाम परिसर की यात्रा एवं इतिहास के बारे में चर्चा की। हमारी आज की यात्रा के संबंध में आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की अन्य यात्राओं का लाभ लेने के लिए आपके अपने चैनल भारत की यात्रा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई यात्रा में नए स्थान पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो मंगलनाथ भगवान की।